हेलो एवरीवन, दिस इज समर मलिक एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो गैस, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ चुके होंगे, तो अभी हमारे पास है 350X थंडरबर्ड की, रॉयल एनफील्ड की 350X। ठीक है, आज हम इसके रिव्यू करने वाले हैं। आज इसका हम जो जितने फीचर्स उसके बारे में आपको आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक का। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वेट का। तो क्या है कि बाइक का वेट है नियर अबाउट 197 kg। बाइक में इंडिकेटर के अलावा, इंडिकेटर और बैक टेल लाइट के अलावा सारा चीज़ मेटल है, जिसकी वजह से बाइक का वेट थोड़ा बढ़ जाता है और बाइक की जो स्ट्रेंथ है, जो ड्यूरेबिलिटी, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके शॉकर के बारे में। तो जैसा कि आप दिखा सकते हैं, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड आता है, फ्रंट में जो शॉकर आता है वो टेलीस्कोप शॉकर आता है। और अब बात करते हैं इसके रेयर शॉकर के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड आती है आपको गैस चार्ज सस्पेंशन शॉकर के साथ, जो 5-स्टेप सेटिंग है, मतलब 5 सेटिंग पॉइंट इसका रहता है। तो अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड आता है ABS ड्यूल चैनल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। आपको देखने को मिल सकता है फ्रंट में एक डिस्क ब्रेक है, साथ ही साथ कंपनी दे रही है पीछे में भी डिस्क। रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड आता है डबल डिस्क के साथ। अगर ड्यूल ब्रेक का सिस्टम ये है, ABS का सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आप इसको स्पीड में सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर अगर बारिश में अप्लाई करते हो, तो बाइक के आपको डिसबैलेंस नहीं होगी। इससे क्या है कि ब्रेकिंग सिस्टम और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है और आपका सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या है कि रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, इससे क्या है ना, ABS होने की वजह से थोड़ा सा सेफ्टी पर ध्यान दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको बात करते हैं हम आपका टायर के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड आती है ट्यूबलेस टायर के साथ, कंपनी दे रही है MRF का ट्यूबलेस टायर। आपको दिखा सकते हैं कंपनी की तरफ से मिल रहा है MRF का ट्यूबलेस टायर और साथ ही साथ एलॉय व्हील। क्या है कि जिस तरह हमारा 350 क्लासिक में क्या है ना कि रिंग आता है, स्पोक्स आता है, हमें बाद में अगर आपको रिक्वायरमेंट हो चेंज करना पड़ता है, बट थंडरबर्ड में क्या सीन है कि इसमें कंपनी की तरफ से एलॉय व्हील आ रहा है, जिसकी वजह से लुक और भी ज़्यादा क्लासिक हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके लाइटिंग के बारे में। आपको मैं दिखा दूं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं इसका एक, क्योंकि ये BS4 इंजन है तो ऑटोमेटिकली लाइट इसका ऑन हो जाता है। क्या है कि रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, आपको मैं दिखा सकता हूँ, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड आता है LED प्रोजेक्ट लाइट के साथ, जो 55 वाट का है, लो बीम लाइट है। साथ ही साथ उसके ऊपर में एक और मिलता है 55 वाट का सिंपल एक और हाइलोजन लाइट, जो ये भी 55 वाट का है। अब आपको मैं दिखा दूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या है कि आपको मैं दिखा दूँ, सबसे पहले अगर जैसे हम इसका स्विच ऑन करते हैं, आपको मैं दिखा दूँ स्पोर्ट्स बाइक की तरह ये दो उठता है। आपको मैं फिर से दिखा दूँ, ये दो एनालॉग जो मीटर वो अपने आप उठता है। उस जैसा कि आप जान रहे हैं कि बुलेट भी एक स्पोर्ट बाइक है, इसमें फ्यूल मीटर होना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि जिस तरह 350 क्लासिक में फ्यूल मीटर नहीं है, बट थंडरबर्ड में क्या फंक्शन दिया है कि हमें एक मीटर साथ में मिलता है। आपको दिखा सकते हैं जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, मीटर में हमें एक स्पीडोमीटर तो मिल ही चुका है, साथ ही साथ हमें मिलता है एक टाइम का, एक फ्यूल इंडिकेशन, टाइम इंडिकेशन इधर मिलता है आपको, हमें बैटरी का मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाता है अगर फ्यूल कम है तो फ्यूल ब्लो होने लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मिल रहा हमें स्पीडोमीटर जो एनालॉग है, साथ ही यहाँ पे मिल रहा RPM मीटर, वो भी एनालॉग है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, इसके डैशबोर्ड में जो कुछ फीचर्स दिए हैं स्विच के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, हमें देता है एक यहाँ पे पासिंग लाइट स्विच, उसके जस्ट नीचे में मिलता है एक हाई बीम लो बीम स्विच, उसके नीचे मिल जाता है इंडिकेटर का स्विच, और साथ ही साथ हमें नीचे में मिल जाता है एक हॉर्न की। और राइट साइड बात करते हैं तो इंजन किल का ऑप्शन मिलता है और उसके जस्ट नीचे हमें मिल जाता है इग्निशन की। जैसे कि BS4 है लेटेस्ट मॉडल, तो इसमें क्या है ना, हेडलाइट ऑन ऑफ करने का कोई सीन नहीं है। एक बार जैसे चाबी ऑन कीजिएगा आपका लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा। अब बात करते हैं इसके ब्रांडिंग के बारे में। तो आपको मैं दिखा दूँ, सबसे पहले क्या है ना कि रॉयल एनफील्ड में आता है एक टंकी पे, आप टैंक में देख सकते हैं कि इसका जो ब्रांडिंग है
350 क्लासिक बुलेट में क्या होता है, बस स्टिकर देके छोड़ दिया जाता है। बट इसमें क्या है ना कि एक मोटा सा एक 3D में आपको 3D में मिल जाएगा इसका ब्रांडिंग, जो कि स्टिकर नहीं है, फॉन्ट है। और उसके साथ साथ आपको दिखा सकते हैं इंजन में आपको मिल जाएगा एक रॉयल एनफील्ड का एक भी एक टैग है। 350 थंडरबर्ड का आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा। यहाँ पे इसका लेग गार्ड में ये जो है ना पैर रखने के, यहाँ भी आपको रॉयल एनफील्ड का मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ आपको कंपनी की तरफ अगर आप लेग गार्ड लेते हैं तो एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड का स्टिकर। और आपको दिखा सकते हैं हैंडल में भी एक आपको मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड का, यहाँ पे भी ब्रांडिंग। इन सब की वजह से क्या होता है कि आप साथ ही साथ हमें मिलता है मीटर में, दोनों साइड के मीटर में रॉयल एनफील्ड का आपको भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी ब्रांडिंग। और तो और रॉयल एनफील्ड ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की अपना ब्रांडिंग, अपना टैग देने का, इवन कि आपको हेडलाइट तक में मिल जाएगा आपको रॉयल एनफील्ड का। इससे क्या होता है आपको जो बाइक और ज़्यादा क्लासिक और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो अब बात करते हैं इसके फ्यूल कैपेसिटी के बारे में। जैसे कि रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक में क्या है कि आपको सेंटर में देता है फ्यूल इंजेक्शन का, बट थंडरबर्ड जब आप लेते हैं चाहे वो पुराना वाला हो या फिर नया वाला हो, थंडरबर्ड में क्या है कि वो थोड़ा सा साइड में फ्यूल इंजेक्शन का आपका यहाँ ना थोड़ा सा साइड में रहता है। और क्या है कि ये 21 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक है, जो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा काफ़ी अगर लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो रह सकते हैं, क्योंकि 21 लीटर टैंक छोटा नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिटिंग पोस्चर के बारे में। जैसे कि मेरी बाइक मेन स्टैंड पे, फिर आप देख सकते हैं कितना कम हाइट लग रहा है। अभी मैं आपको दिखा दूँ सिटिंग पोस्चर इसका। अभी मैंने बाइक को मेन स्टैंड से नीचे उतारा है, आप देख सकते हैं क्या है कि जिस तरह अगर आपने कभी FZ चलाया या फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्स बाइक चलाया तो क्या है कि जो टैंक का पोजीशन थोड़ा सा ऊंचा रहता है। अगर ये बात कंपेयर करते हैं 350 क्लासिक से तो 350 के क्लासिक का टैंक स्ट्रेट रहता है और सीट से थोड़ा सा उठा रहता है, मगर इसमें क्या है ना सीट नीचे और टैंक थोड़ा ऊपर, उसकी वजह से काफ़ी मज़ा आता बैठने में। अब बात करते हैं हैंडल का, तो हैंडल भी पुराने वाले रॉयल एनफील्ड जो थंडरबर्ड उससे थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा कंपनी ने चेंजेस किया है, जिसे क्या ना थोड़ा सा और ज़्यादा ये स्वैग बढ़ जाता है, इससे थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता है। तो बात करते हैं इसकी इंजन कैपेसिटी की। तो जैसा कि मेरे पास जो बाइक जिसके रिव्यू मैं अभी कर रहा हूँ ये है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड का 350X विथ 350cc। ज़्यादातर क्या है ना इसको 350cc से ही जाना था, बट एक्चुअल में इसका इंजन कैपेसिटी वो 347cc इसका कैपेसिटी है। ये BS4 इंजन है जिसकी वजह से आपका जो माइलेज होता है वो थोड़ा सा बेहतरीन हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। जैसे कि अगर आप नेट में सर्च करते हैं तो उसको बताता, अगर आप इकोनॉमी में इसको चलाइएगा, अगर इसके ओरिजिनल साइलेंसर के साथ चलाइएगा इकोनॉमी में, तो एवरेज ये देगा 57 का माइलेज। बट सच ये है कि अगर आप इसको फिर भी अगर इसको इकोनॉमी में चलाइएगा तो बहुत ज़्यादा ये 48-45 देगा। अगर ये 350 क्लासिक का बात करते हैं तो थोड़ा सा क्लासिक से बेहतरीन इसका माइलेज है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। अब बात करते हैं इसके साउंड के बारे में। आपको मैं साउंड देखा, जैसे कि मुझे थोड़ा सा बुलेट इसलिए पसंद इसके साउंड की वजह से। मैंने क्या किया था, जैसे मैंने बाइक को लिया सबसे पहले मैंने इसका साइलेंसर चेंज कराया था, क्योंकि जो कंपनी जो शोरूम जो साइलेंसर देता है वो उतना ज़्यादा स्वैग वाला नहीं, उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। सबसे पहले आपको इसका साउंड सुना तो कितना ज़्यादा क्लासिक, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बात करते इसके सामने के लुक के बारे में, आप खुद से देख सकते हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये। सच में ये एक रियल स्पोर्ट बाइक्स की तरह लगता है, और इसके सामने में जो मीटर इसके और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आपको। अब बात करते हैं इसके पीछे के लुक के बारे में, तो पीछे से आप दिखा सकते हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव ये भी लगता है। ये क्या है ना कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया, बट जो इंडिकेटर जो लाइट्स है इसे कंपनी एकदम सिंपल दे, जिसको काफ़ी डिसेंट लगता है। लेडीज़ लोग के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपनी की तरह से पीछे का जो ग्रैब बेल्ट आता है वो इस बाइक में नहीं रहता। तो जब भी आप बाइक को आगे बढ़ाइएगा तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा नॉर्मल स्पीड में स्लो ही आगे बढ़ाने की, क्योंकि पीछे जो बंदा बैठा रहेगा हो सकता है वो स्लिप कर रहा है, आपको पता भी ना चले। इस बात का ख्याल रखिएगा, लेडीज़ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एज अ शोरूम में आपको इसका पीछे का ग्रैब बेल्ट मिल जाएगा। तो गाइज़ बस आज की वीडियो इतनी होने वाली है। होप सो गाइज़ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन करना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जहाँ तक मुझसे हो सके मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा। और आपकी नज़र में ये बाइक कैसी, आपकी बाइक कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो सी यू गाइज़ माय नेक्स्ट वीडियो।